ये आजकल के जो टाबरियों के हेयर स्टाइल है ना, पपिए की, हीरिए की, मोतिए की, लालिए की, चंदिए की, जिसकी भी, एवरीथिंग। हमारे टाइम में क्यों नहीं थी? नहीं, हमारे टाइम में क्यों नहीं थी? हमारे टाइम में ये लोग कहाँ गए थे? सो रहे थे क्या? मतलब ऊंगा जे हुए थे। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, मेरे नानो साहब मेरे बाल कटवाने के लिए लेके जाते थे। एक कत यहाँ होता था, दूसरा कत मेरे यहाँ पे होता था, और धमकी दे के आते थे कि ये ना इनके बाल हाथों में नहीं आने चाहिए। और स्कूल के मास्टरों को अलग से लगता था कि हम उनके डर की वजह से ऐसे नन्हे नन्हे बाल करवाते थे, टोले हमें अलग से पढ़ते थे। मैं आज भी अपने एल्बम में फोटो देख लूँ ना, हाय हाय शर्म आ जाती मुझे। मतलब यहाँ चक्कू मारने का मन करता है मेरे। ऐसा लगता है कि गजनी मूवीज में जो उसके बाल थे ना, मेरे से कॉपी किए गए हैं। और इनको पूछते अलग से हैं, बेटा आपको कैसे बाल कटिंग करवाने हैं, है? और हमारे टाइम मतलब एक तो घर वाले ना टिंगा टोली करके हमको लेके जाते थे, और सेकंड बात पार्टी पे बिठा देते थे। स्प्रे तो ऐसे छिटकते थे जैसे कि मैं नहा के नहीं आई हूँ। हाँ, कत लगने के बाद मैं ना फिटकड़ी नहीं होती थी, उससे घसते थे हमारे। और जैसे ही कटिंग करवा के हम एक पैर एक पग बाहर देते थे ना, कॉम्प्लीमेंट मिलते थे हमें, मिनक हंसते थे हम पे, ए दिखरी मोड की जावे, ए दिखरू मोड हो जावे। और आजकल के बच्चों का, नाइस यार कहाँ से कटिंग करवाई है तूने, न्याय चाहिए मुझे इस बात पे। नहीं, मैं भी बाल ऐसे कटिंग करवा लूँ, लेकिन घर वाले मन नहीं बाड़ेंगे मुझे। प्रॉपर्टी से काला पेन लेके प्रॉपर्टी से मेरा नाम ऐसे लिखा टोकी करके अलग कर देंगे। क्यों क्यों?